प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपना ट्रैवल एजेंसी भगवंती नगर से, ये एक हमने अभी पिछले साल क्या हुआ कि सब कोई भी मतलब इन लोगों ने बाहर के लोगों को एक परमिशंस वगैरह दी थी काम करने के लिए। हम 15 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, जितनी भी हमारी ट्रैवल एजेंसियां या बाहर के जितनी भी हमारी लोकल बॉडी जो लोग काम करते हैं, तो बाहर के लोग आके वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से यात्रु को भी प्रॉब्लम होती है। यात्रु जो है, यात्रु को मालूम नहीं है कि यहाँ का ये इंसान है काम करने वाला या बाहर का है। तो इसलिए हमने डिपार्टमेंट से मतलब स्पेशली डिपकॉम साहब से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमारी बात सुनी। हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने एक ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर है आप देख सकते हैं कि कोई भी बाहर का आदमी लोकल्स भगवती नगर में काम नहीं कर सकता। भगवती नगर में लोकल बॉडी जितने भी हैं काम करने वाले वो काम करें, ना तो उनको कोई परमिशन मतलब दी जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट थी उनके सामने, तो इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। तो मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी, सुन के हमें ये ऑर्डर प्रोवाइड किया है। तो इसलिए मैं मीडिया के आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की वजह से सब लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए भगवती नगर में, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पता चलना चाहिए कि यह ऑर्डर हुआ है। तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी वो जो है अपने तरीके से हमारे साथ एक कॉपरेट करें और निभाएं। सर, ये यात्रा के समय की दिक्कत आती थी? बिल्कुल, ये यात्रा की जो यात्रा 2 महीने चलती है, तो आउटसाइडर जो है बाहर के लोग हैं वो मतलब यात्रु जो आते हैं, यात्रु को नहीं पता रहता ना कि ये इंसान जो यहाँ पे काम करने वाला है ये लोकल कब से काम कर रहा है, बाहर का है कहाँ का है। तो चोरी का डर रहता है, कोई अगर कोई भी इंसान कोई भी यात्रु अगर हमारे पास आता है तो उसको क्या पता है यहाँ का है कहाँ का है, भी प्रॉब्लम होती है। यात्रा जो यात्रु होता है, यात्रु को मतलब उनसे पैसे ज्यादा लिए जाते हैं, कल को उनका सामान चोरी होता है, किसी के पास मतलब धोखाधड़ी होती है और किसी के पास भी उस चीज का कोई प्रूफ नहीं रहता है। हम लोग वहाँ पे 15, तो मैं डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है, तो इस ऑर्डर को जो भी है वो इम्प्लीमेंट किया जाए और इस पे काम किया जाए। किस तरह से देखते हैं आपकी, जब हमारे यहाँ यात्रा आने वाली है तो श्रद्धालु जो है वो काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और रश भी काफी ज्यादा होता है जी, तो किस प्रकार की सुविधाएं जो आप संभालेंगे तो किस तरह से मिल पाएंगे? सर, हमारा ये है कि यात्रु को हम लोग वहाँ से 15 साल से काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यात्रु जो आता है यात्रु को हम पूरे तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि यात्रु नया रहता है उसको पता नहीं रहता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है, तो उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करके अपना मतलब एक उनको अपना आईडी देते हैं हम लोग कि हम यहाँ पे रहने वाले हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज की तो उस चीज का हम उनके साथ पूरा कॉपरेट करते हैं। और बाहर का कोई भी आदमी जो है वो उनके साथ मतलब उनसे पैसे लेगा, पैसे लेके उसके बाद चला जाएगा तो पूछने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग वहाँ के प्रॉपर 15 साल हो गए हमें वहाँ पे काम करते हुए, तो यात्रु को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस चीज वो हम उसके यात्रु के साथ होके वो काम उनके साथ हम हेल्प करते हैं उनकी। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी लोकल बॉडी हैं वो वहाँ पे काम करें, और कोई भी आउटसाइडर कोई भी आदमी वहाँ पे अगर आता है तो उसको काम ना करना दिया जाए। अगर कोई काम करता पाया भी गया बाहर का, तो अगर कोई काम करता पाया गया है तो उसका ये ऑर्डर है, ये उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।